नीमच के एक सैनी परिवार की शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। दरअसल जयपुर के आगे से शादी समारोह से पुनः बारात लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान भीलवाड़ा और विजयनगर के बीच बारात की एक कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सैनी समाज के जिला अध्यक्ष सीताराम सैनी और उनके पुत्र अजय सैनी की और उनके साथ ही उनके बैजी इंदौर के निवासी की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोगों का उपचार भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय में जारी है। देखिए यहाँ हमारी पूरी खबर। नीमच के एक सैनी परिवार में आज अचानक शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी समारोह से लौटते समय राजस्थान के हमीरगढ़ के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घटना में नीमच सैनी समाज के अध्यक्ष सीताराम सैनी और उनके बेटे सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शवों को पीएम के लिए भीलवाड़ा शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार नीमच शहर के सैनी परिवार में शादी समारोह का आयोजन था, जिसके चलते राजस्थान के जयपुर के आगे बारात गई थी, जहां से मंगलवार सुबह लौटते समय बस पहले निकल गई और एक बारात में शामिल एक कार पीछे आ रही थी। कार सवार लोग विजयनगर में नाश्ता करने के लिए रुके और नाश्ता कर फिर से नीमच के लिए निकले। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे भीलवाड़ा और विजयनगर के बीच हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में कार एक ट्राले में जा घुसी। घटना में सभी लोग हादसे का शिकार हो गए। इस दर्दनाक हादसे में नीमच सैनी समाज के अध्यक्ष सीताराम सैनी, उनके छोटे बेटे अजय सैनी और इंदर निवासी बीआईजी बाबू सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कर्मचारी गजेंद्र सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इनमें से एक का हाथ कट गया है। हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कार से बाहर निकाला, जिसके बाद पीएम के लिए भीलवाड़ा शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घायलों को उपचार भी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को भोजन और आशीर्वाद समारोह का आयोजन होना था।